हेलो नमस्कार दोस्तों, 28 जून 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्ट एडिटोरियल से वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आर्टिकल दिया गया साइड में, ये आर्टिकल दिया गया RBSA की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। तो इस आर्टिकल में जो पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे जो बड़ा वाला आर्टिकल है ये दिया गया है ब्रिटेन एग्जिट का, जो ब्री एग्जिट हुआ था यूरोपियन यूनियन से, उस बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। ये कहा गया है कि भई हमें रेफरेंडम करवाना चाहिए दोबारा और सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि क्या हमें यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना है नहीं होना ब्रिटेन के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर आ जाती हैं। तो उन दो चार पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बेसिक जो पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए एग्जाम में काम के हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये एक्चुअली केरला का एक केस था, उस केस पे है। केरला का केस कुछ ये था कि वहाँ पे एक गैलेक्स में एक मैगजीन थी, उस मैगजीन के जो कवर पेज था वहाँ पे एक लेडीज़ की ब्रेस्ट फीडिंग के साथ फोटो थी। तो उसी चीज़ पे फिर आरोप प्रत्यारोप होना शुरुआत स्टार्ट हो गया और फिर जो सारा केस हुआ उसको हम एक बार जानेंगे कि आखिर इश्यू है क्या। मेनली हम केस स्टडी के फॉर्म में इसका कहीं यूज है वो कर सकते हैं GS4 के पेपर में। यहाँ पे जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में कुछ इतने ज़्यादा पॉइंट है नहीं काम के, तो इसे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये वाला साइड का जो आर्टिकल है ये दिया गया एक्चुअली USA की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसके बारे में, किस तरीके से वहाँ पे हेग कन्वेंशन की बातें हैं उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये दिया गया है एक तरीके से मध्यस्थता है, जो आप बोल सकते हो कि जो मीडिएटर का काम करते हैं उनके बारे में बेसिकली पॉइंट बताया गया है कि किस तरीके से हमें मीडिएशन है उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब मीडिएशन होता है तो उसकी वजह से हम काफ़ी सारे डिस्प्यूट होते हैं उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं विदाउट कोर्ट की हेल्प से। अदरवाइज जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमारा काम वो लटका रह जाता है। तो उसकी बात यहाँ पे की गई है, तो इसमें बेसिक पॉइंट देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे लिए कुछ काम का हो सकता है जो पॉइंट्स भी है। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये उजाला स्कीम के बारे में है कि उजाला स्कीम को लगभग पूरे 2 साल होने को आए हैं, क्या उसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं क्या नेगेटिव है, तो हम ऑल ओवर कंक्लूजन वगैरह वो चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ये आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, ये वाला आर्टिकल कुछ काम का नहीं है तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं। चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आर्टिकल हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि RBI है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वो जारी करता है कि भाई फाइनेंस है उसकी हालत कैसी क्या है, कैसा स्टेबल है नहीं है वो वगैरह। तो अभी जो RBI की नई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है उसमें कुछ बड़ी बड़ी बातें सामने आई हैं। जैसे सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि जिस तरीके से सभी बैंक और गवर्नमेंट दोनों NPA से निपटने के लिए कोशिश कर रही हैं, बट अभी रिसेंटली रिपोर्ट से चीज़ सामने आई है कि NPA की समस्या घटने की बजाय बढ़ने वाली है। अभी बताया गया देखो कि अभी रिसेंटली NPA का जो है वो है 11.6% है बैंकों का, जबकि बताया जा रहा है कि मार्च 2019 तक NPA है वो 12.2% तक पहुंच जाएगा। मतलब क्या है, NPA की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है कम होने की बजाय। देखो हमारे देश की गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप उठाए हैं NPA से निपटने के लिए, ऐसी बात नहीं, और बैंकों ने भी बहुत कोशिश की है, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी मैकेनिज्म या कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी में कोई कमियां रही हैं या फिर बैंक है पॉलिसी को प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करवा रहा, तो कुछ ना कुछ तो इश्यूज रहे हैं ना जिसकी वजह से आखिर ये बढ़ रहा है। तो पूरे ओवरव्यू को हम जानेंगे कि आखिर सीन वगैरह है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ से बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि भाई आखिर NPA बनता क्यों है, कहाँ से क्या इश्यूज़ वगैरह होते हैं। तो देखो इसके लिए हमें एक चीज़ जाननी होगी, सबसे पहले कि बैंक काम कैसे करते हैं। देखो बैंक का काम करने का तरीका सीधा सा होता है, जैसे ये एक बैंक है, इसके अंदर क्या होता है, लोग अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं। जैसे ये मान लो कि 5 आदमी इन्होंने अपने पैसे डिपॉजिट बैंक में करवा दिए, अब इन्होंने 100 कितना भी एग्जाम्पल ले लो कि इन्होंने पैसे जमा करवाए, तो ऑब्वियसली ये बैंक को पैसे दे रहे हैं तो बैंक से कुछ ना कुछ तो पैसा इंटरेस्ट लेंगे कि भाई देख हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आप हमें एटलीस्ट 2% 3% कुछ भी अमाउंट दो। तो बैंक क्या करता है, हमें आपको पता है कि इंटरेस्ट देता है, चाहे सेविंग अकाउंट हो या फिर और कोई अकाउंट हो, करंट अकाउंट को छोड़ दिए, तो मतलब बैंक इनको पैसा देता है कुछ एक्स्ट्रा। अब आप खुद बताइए कि बैंक इनको पैसा देगा कहाँ से, बैंक ऑब्वियसली उस पैसे को कहीं ना कहीं 2 से 4 कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तभी तो इनको वापस इंटरेस्ट देगा, अदरवाइज तो बैंक देगा कहाँ से। जबकि बैंक को साथ साथ क्या काम करना होता है, बैंक को और भी बहुत सारे काम होते हैं कि बैंक का स्टाफ होता है वो भी, उसको भी सैलरी होती है, मेंटेनेंस का भी काम होता है, और भी बहुत सारे बैंकों के अंदर छोटे मोटे काम होते रहते हैं, तो उसका मेंटेनेंस के नाम पर उसका खर्चा चलना होता है। तो इसलिए बैंक क्या करते हैं, जैसे कि कस्टमर होते हैं उसको मान लो कि 4% दे रहे हैं ब्याज, 4% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये बैंक क्या करेंगे, ये किसी कॉरपोरेट ग्रुप को या फिर किसी जिस भी इंसान को लोन वगैरह चाहिए उसको लोन दे देंगे, किसी को दे देंगे 15% पे, किसी को 12 पे, किसी को 18 पे, मतलब जैसे भी वो जो उनके रूल्स होते हैं उसके मुताबिक ये दे देते हैं ज़्यादा रेट पे। अब देखो इधर 12 पे दे रहे हैं मान के चलो, तो बैंकों को देना कितना, कस्टमर को तो वापस 4% ही देना है, तो 8% का प्रॉफिट हो गया ना। इस 8% से ये क्या करते हैं, अपना खुद का प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं और एक तरीके से जो यहाँ की सर्विस वगैरह जैसे मैनेजमेंट है वो भी निकल जाता है, एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह भी चल जाती है। तो ये पूरी मैकेनिज्म वो चलती रहती है कि बैंकों को पैसा कस्टमर देते हैं, कस्टमर फिर उस पैसे को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर वहाँ से पैसा वापस लोन के फॉर्म में आता होता है। अब आप एक चीज़ सोच के देखिए कि यहाँ से बैंक ने जैसे ये पैसा कॉरपोरेट ग्रुप को दिया, अगर ये कॉरपोरेट ग्रुप वापस बैंक को पैसा ना दे तो क्या होगा,
तो बैंक की हालत तो खस्ताहाल हो जाएगी ना, क्योंकि बैंकों को अगर पैसा नहीं देगा ये कॉरपोरेट गुरु, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों ने बैंक में पैसा जमा करा था उनको पैसा नहीं मिलेगा। ओब्वियसली मिलेगा कहाँ से, ना तो इंटरेस्ट मिलेगा ना उनका मूल पैसा वो मिलेगा। तो ऐसे माहौल में जो ये पैसा था ना, ये एनपीए बदल जाता है, इसको बोलते हैं मेनली एनपीए। आपको बताऊँ तो अब ये एनपीए की प्रॉब्लम बढ़ती कैसे, इससे क्या नुकसान होता है वो देखते हैं। एक तो उससे नुकसान सीधा सीधा यही हुआ कि बैंक है वो जो भी उनके मतलब कस्टमर है जिन्होंने लोन पैसा दिया जमा करे हैं बैंक में, उनको बैंक वापस इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा, ना ही उनको अपने पैसा दे पा रहा, तो बैंक की हालत खराब होगी। इसके अलावा बैंक का जो आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट है वो भी डूब जाएगा, तो बैंक की हालत माली हालत खराब हो जाएगी, तो बैंक मतलब डूब सकता है। एक तो ये समस्या आ गई। इसके साथ ही दूसरी समस्या और बहुत बड़ी आई। दूसरी समस्या क्या बड़ी आई कि अगर इस कॉर्पोरेट ग्रुप ने बैंक को पैसे नहीं दिए, या बैंक को अपने जो भी इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं दिया, लोन लिया था वो भी नहीं जमा करा रहा, इसका मतलब बैंक दोबारा किसी को लोन देने लायक बचा ही नहीं। अगर बैंक किसी दोबारा किसी पर्सन को लोन नहीं देगा तो ऑब्वियसली मतलब क्या होगा, मार्केट में लोन है वो मिलेगा ही नहीं लोगों को। अब देखो मार्केट में अगर लोगों को लोन नहीं मिला तो उसका मतलब क्या हो गया कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ओब्वियसली इंप्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा और ना ही नई चीज़ें आने वाली है, तो कहीं ना कहीं क्या होगी हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, इंप्लॉयमेंट भी घट जाएगा, लोगों को रोजगार मिल ही नहीं रहा है, इसके साथ ही प्रोडक्शन भी घट जाएगी और डिमांड तो फिर अपने आप ही घट गई, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे का खाक। तो कुल मिला के सीन हुआ क्या कि हमारी पूरी इकोनॉमी और तहस नहस हो जाती है। ये सारा सिस्टम होता है एनपी की वजह से। पूरा साइकिल मैंने आपको बता दिया कि बैंक कैसे काम करते हैं, क्या क्या इनकी पूरी प्रोसीजर होती है। तो अब हम यहाँ पे मेन चीज़ की तरफ फोकस ये करते हैं कि एनपीए की समस्या इस तरह से बढ़ती जा रही है। तो अभी देखा जाए तो देखो स्टार्टिंग में 10% के आसपास पैसा था एनपीए बैंकों का, मतलब बैंकों के पास यहाँ लोग 100 करोड़ रुपए हैं, तो उसमें से 10 करोड़ रुपए तो उनका एनपीए हो चुका था, मतलब वो पैसा वापस आ ही नहीं रहा था। और अभी देखा जाए तो 11.6 तो अभी करेक्ट आंकड़े जो बता रहे हैं रिसेंटली हुए हैं, जबकि ज़्यादा ही हो गए, इससे कम नहीं है और आगे और बढ़ जाएगा। तो देखो डाटा तो आपको सब याद नहीं रखना, बट आप ये ध्यान रखना मोटा सा कि भाई एनपीए वो 10% से ज़्यादा अभी बैंकों का हो रखा है। अब आगे बात आती है बैड डेप्ट, ये चीज़ होगी बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मतलब क्या होगा कि बैंक है वो किसी को लोन वगैरह दे ही नहीं पाया, नहीं ना ही बैंकों को पैसा वगैरह मिल रहा, तो वो पैसा क्या होगा बैंकों के लिए तो सरदर्दी बन गया ना। इससे अब इशू क्या आते हैं, समस्या एक तो ये होगा बैंकिंग है वो बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा तो बैंक खुद चलेंगे कैसे, तो या तो बैंक बंद हो जाएंगे तो बैंक डूब जाएंगे, फिर लोगों का पैसा डूब जाएगा, तो उससे तहस नहस होना ही है। इसके साथ क्रेडिट इशू, क्रेडिट इशू का मैंने आपको बताया कि बैंक वापस किसी से लोन नहीं दे पाएगा, और बैंक अगर वापस किसी को लोन नहीं दे पा रहा, इसका मतलब बैंकों का काम ही नहीं हो रहा कुछ, क्योंकि बैंकों का काम तो यही होता है ना कि यही तो होता है कि वो लोगों से पैसे अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं, फिर उसी पैसे को कॉरपोरेट ग्रुप वगैरह को देते हैं बड़ी अमाउंट में, और फिर वो अपना पैसा भी कमा लेते हैं और इस तरीके का काम उनका चलता रहता है। तो ऑल ओवर हमारी इकोनॉमी का है उसमें स्लो डाउन आ सकता है, और अगर यही हालात रहे तो स्लो डाउन आना ही है। इसके साथ ही राइटर ये बता रहे हैं कुछ एक्सटर्नल रिस्क भी हैं कि जिनकी वजह से भी हमारी एनपीए जैसी समस्या है या हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रखी है। कौन कौन से रीजंस बताए गए हैं, जैसे कि तो यूएसए की पॉलिसी, देखो यूएसए की अगर वहाँ की गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है वो हमें डायरेक्टली इफेक्ट करती है, अगर वहाँ की पॉलिसी अगर काफ़ी लिबरल होगी तो लोग आराम से इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। बट अगर आप एक देखिए, अगर यूएसए का कोई भी आदमी है वो अगर ये मान लो कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो और उससे अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न मिल रहा है तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर देगा, बट अगर उससे इंडिया से अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ठीक ठाक पैसे नहीं मिल रहे हैं, रिटर्न कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वो इंडिया में पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा? वो सोचेगा यार मैं अपने यूएसए में इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि रिस्क तो कम रहेगा ना, क्योंकि बाहर की कंट्री में करूँगा तो ज़्यादा लफड़े रहेंगे। तो इसलिए ऐसे माहौल में क्या है कि इंडिया में एफडीआई वगैरह भी कम हो जाती है, तो काफ़ी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर किसी भी कंट्री को मतलब अपनी सर्वाइव आप बोल सकते हो कि अपने आपकी इज्जत बना के रखनी होती है, अपनी वैल्यू बना के रखनी होती है ना, तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि इकोनॉमी की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ में अगर उसकी इकोनॉमी स्टेबिलिटी नहीं है, चाहे आप रुपये की मान लो किसी भी कंट्री एक चीज़ का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अगर रुपए की रेट है वो भी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है ना, तो लोग ज़्यादा पैसे में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्यों? उन्हें लगेगा यार आज तो रुपए 100 रुपये 100 डॉलर का एक मिल रहा है, कल पता चलेगा कि 1 डॉलर में 1000 रुपये मिले, तो क्या मतलब हुआ? मतलब किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता रहे। देखो 1-2 रुपये 50 पैसे ये तो चीज़ चलती रहती है, बट अगर वहीं पर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है ना, तो उसकी उस इकोनॉमी पर या उस करेंसी पर किसी भी कंट्री का भरोसा नहीं रहता है। तो अगर यही हालात हमारी रही तो हमारी इकोनॉमी वो स्टेबल नहीं रह पाएगी और हमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसके साथ ही एक्स्ट्रा रीजन ये बताया जा रहा है कि ऑयल प्राइसिंग है वो भी देखो आजकल लगातार बढ़ रही है, तो अगर ऑयल प्राइसिंग बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी उससे कहीं ना कहीं दिक्कत वो आ रही है, तो वो भी ऑब्वियसली इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा सरदर्दी बनता हुआ जा रहा है।
इसके बाद में बात करते हैं कि पीएसयू की पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के बैंक हैं वो घाटा चलता रहता है, कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं जब तक तो गवर्नमेंट उनके लिए कोई काम ना करती। जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, थोड़ा सा घाटा हुआ तो जो ही जिस भी कस्टमर ने पैसा लोन वगैरह नहीं दे रखा है उसे वो साम दाम दंड पे कैसे भी इधर उधर से पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। जबकि आपको बताइए गवर्नमेंट बैंकों में थोड़े हालत क्या है, ढीले चलते रहते हैं कि चला कोई बात नहीं, ठीक है दे देगा अपन को, क्या है अपना थोड़ी जा रहा है पैसा। जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या है, थोड़े वो काफ़ी पंक्चुअल होते हैं तो वो चीज़ें छोड़ते नहीं है। ये एक तो हाल देता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर का एनपीए कम है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर है वही बात है कि गवर्नमेंट के अंदर रहते हैं तो थोड़ी गवर्नमेंट भी उसमें हस्तक्षेप करती रहती है कि हाँ ठीक है। कई बार लोग अपने चाचा भतीजावाज की तरह पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई ये मेरे चाचा का बेटा है, उसने लोन लिया दे देगा अभी ये वो, तो मतलब बैंक के थोड़े ज़्यादा एक्शन वगैरह नहीं ले पाते, जो कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं हो पाता है। इसके बाद में बात की जा रही है कि देखो गवर्नमेंट के स्टेप है ना वो ढंग से अप्लाई करने होंगे। ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप नहीं उठाए, जैसे गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइजेशन भी स्टार्ट किया था, उससे सोल्यूशन नहीं होने वाला। एक तो बैंकों का जो स्ट्रक्चर है वो हमें सुधारना होगा, क्योंकि बैंकों में हमें ये देखना होगा कि गड़बड़ हो कहाँ रही है। जब तक हम गड़बड़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इससे इशू हो कहाँ रहा है, तब तक हम जब कितना ही पैसा दे दो बैंकों को कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। इसके साथ ही बात यह है कि गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों को साथ आना होगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट के जो डिसीजन है, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी या एक्ट वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे, तभी हालात हमारी सुधर सकती है। तो इन चीज़ों की तरफ हमें फोकस करना होगा। इसके बाद में बात की जा रही है कि जैसे गवर्नमेंट का इंसॉल्वेंस एंड बैंकरप्सी कोड आया था, उसके थोड़े रूल रेगुलेशन वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने होंगे। तो कहीं ना कहीं जब तक देखो रूल रेगुलेशन टाइट नहीं होंगे, क्लियरिटी नहीं होगी, तब तक काम नहीं हो पाएगा। और सबसे अहम बात क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी, कि जो भी ऑफिसर्स हैं वो अकाउंटेबल होना चाहिए। जब तक अकाउंटेबल नहीं होंगे ना तब तक काम बन ही नहीं पाएगा। तो हमें अकाउंटेबल की तरफ यहाँ पे फोकस करना होगा, तब भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है वो हमें मिलने वाला है। तो ये कंप्लीट आर्टिकल के जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। तो इस आर्टिकल में क्या है वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आर्टिकल में बताया गया कि देखो 2 साल कंप्लीट हो गई है और ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की एक पहली स्कीम थी जिसमें एक्चुअली इस तरह की प्रावधान वगैरह लेके आए गए थे, लोगों को गैस कनेक्शन वगैरह देने की बात थी कि रूरल एरिया में जो गरीब लोग हैं बीपीएल के नीचे उनको फ्री गैस कनेक्शन, बाकी लोगों को भी गैस कनेक्शन वो दिए गए थे। देखो स्टार्टिंग में इसका प्रावधान कम था, लगभग 5 करोड़ के आसपास था, बट उसके बाद गवर्नमेंट ने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जाते हुए देख के इसका लिमिट बढ़ा दी थी कि 8 हज़ार करोड़ रुपये यहाँ पे, नहीं नहीं सॉरी 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, कन्फ्यूज हो गया, 8 करोड़ गैस कनेक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड है वो लोगों को करवाए। अब देखो बात यह है कि एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड करने से हमें बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ पे बात केवल गैस कनेक्शन की नहीं है, यहाँ पे बात काफ़ी सारी चीज़ों की है। यहाँ पे बात है वुमेन एम्पावरमेंट की। और जब भी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एग्जाम में उज्ज्वला स्कीम आ जाए तो आप वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये स्कीम कहीं ना कहीं उसी चीज़ पर बेस्ड है। क्योंकि आपको पता है कि देखो घरों में मैक्सिमम खाना बनाती है वुमेन। अब अगर वुमेन रूरल एरिया में खाना बनाती है तो उनको क्या है, चूल्हे वगैरह का यूज़ करना होता है, उपले वगैरह जैसे उन चीज़ों का यूज़ करके खाना बनाना होता है, तो उससे क्या है काफ़ी धुआं निकलता है और वो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। उससे उनकी हेल्थ है उसका भी नुकसान होता है। इसके साथ ही आप देख सकते हो कि वुमेन है उनकी हालत पहले से ख़राब हो रही है, इकोनॉमी उनकी एक तरीके से एम्पावरमेंट की तरफ भी उनका अच्छा स्टेप नहीं है पहले से। तो ऐसे माहौल में क्या है कि हमारी देश की जो वुमेन है उनका हालत और ज़्यादा भी ख़राब हो जाती है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई अगर वो खाना वाना बनाती हैं, अगर वो एलपीजी सिलेंडर पे मतलब अगर वो गैस सिलेंडर से खाना वगैरह बनाए तो उनकी हेल्थ का भी बचाव किया जा सकता है, जिससे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ना वो भी कम हो जाएगा। देखो अगर वुमेन चूल्हे वगैरह पे खाना बनाती है तो उन्हें धुआं वगैरह का सामना करना पड़ता है तो उनकी हेल्थ और ज़्यादा खराब होती है, बट अगर वहीं पे वो गैस वगैरह यूज करेंगी तो खाना जल्दी भी बन जाएगा, ना ही उन्हें धुएं वगैरह का सामना करना पड़ेगा और उनकी हेल्थ वो भी बनी रहेगी। क्योंकि धुआं होता है वो कहीं नहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी के साथ साथ हेल्थ के लिए तो बड़ा इशू होता ही होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने स्कीम वो लेके आई थी, तो इसमें जो बीपीएल परिवार के लोग थे उनको फ्री में गैस कनेक्शन दिए गए थे। टोटल लगभग इसमें 8 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए थे और गवर्नमेंट अभी भी इसके लिए आगे 4,800 करोड़ का नया बजट लेके आई है ताकि इस स्कीम को और ज़्यादा इंप्लीमेंट अच्छे से किया जा सके। अब बात ये की जा रही है कि इसे वुमेन एम्पावरमेंट को बेनिफिट कैसे मिला। वुमेन एम्पावरमेंट को बेनिफिट इस प्रकार मिला कि तो वुमेन की हालत थोड़ी ठीक हुई तो उनकी हेल्थ वगैरह का इश्यू दूर हुआ, अदरवाइज उनकी हेल्थ पहले से ज़्यादा खराब हो रही थी तो गवर्नमेंट के ऊपर ही बर्डन बढ़ रहा था हेल्थ का, तो इसलिए एक तो गवर्नमेंट को बेनिफिट ये होगा। इसके साथ वुमेन एम्पावरमेंट की वुमेन थोड़ी एजुकेटेड होने लगी, वुमेन को थोड़ा पता चला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे भी चीज़ें होती हैं, तो उस कहीं ना कहीं उनका थोड़ा लेवल है वो अप हुआ है। तो इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट का इशू या पॉइंट आपको तुरंत जोड़ना है जहाँ भी उज्ज्वला स्कीम के बारे में आपको मेंशन है या आ जाए। हेल्थ इशू मैंने बता दिया,
दिया कि हेल्थ का भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला है वुमेन को, अदरवाइज़ उन्हें चूल्हे वगैरह पे खाना बनाने और काफ़ी धुआं वगैरह का सामना करने से उनकी हेल्थ है, श्वास संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा संबंधी बीमारियाँ हो जाती थी, तो वहाँ भी उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट है देखने को मिला है। तो ये सारे कुछ इसमें बेसिक पॉइंट थे इस आर्टिकल में जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। बाकी कुछ पॉलिटिकली पॉइंट है कि बीजेपी गवर्नमेंट वो देखो हमारे लिए कुछ काम का यहाँ पे रहती नहीं है। इसकी थोड़ी टैगलाइन जरूर देख लेना उज्ज्वला योजना की, वो है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, क्योंकि जब ईंधन लोग लेडीजों को या वुमेन को अच्छा मिलेगा तो उनकी लाइफ वह या आजीविका वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, उनका जीवन शैली वो बेहतर हो जाएगी, इसलिए सब स्टार्ट है और किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है उज्ज्वला स्कीम के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे हम मीडिएशन की बात करते हैं कि मीडिएटर का काम क्या होता है और किस तरीके से डिस्प्यूट सेटलमेंट का इशू है। देखो जब भी कोई डिस्प्यूट होता है उसमें दो कंडीशन होती है हमारे पास। पहली कंडीशन तो ये होती है कि या तो हम आपसे आपस में बातचीत करके समझा लें, या तो नहीं फिर मतलब किसी दोस्त वगैरह की हाँ भाई ठीक है तू हमारा आपस में मामला सुलझा दे, बता सही है क्या गलत है, इस तरीके से मामला सेटलमेंट कर सकते हैं। दूसरा इशू हमारे पास ये होता है कि हम जाएँ कोर्ट के पास। तो आपको बताइए कोर्ट वाला चक्कर बहुत लंबा होता है, आज की तारीख पे तारीख मिलती रहती है, सोल्यूशन कुछ निकलता नहीं है, सौ सौ साल निकल जाते हैं लोगों के एक तरीके से आप बोल सकते हो, मतलब हालत काफ़ी ख़राब है वो हो जाती है, और कोर्ट के जरिए का चक्कर काफ़ी लंबा पड़ता है। ऑलरेडी हमारे देश की आपको पता है कोर्ट है जुडिशरी उस पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ा हुआ है, तो ऐसे माहौल में अगर कोर्ट वाला डिसीजन हम सोचते हैं कि कोर्ट से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी सही नहीं होता और हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है डिसीजन आने आने तक, इसलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं मीडिएटर या मीडिएशन की तरफ। मीडिएशन का मतलब क्या होता है, हम बीच में एक मीडिएटर रख देते हैं, जैसे दो दोस्त हैं एक ये थे एक, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो ये क्या करेंगे एक मीडिएटर को रख लेंगे कि हाँ भाई आप बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो मीडिएटर है वो डिसीजन दे देगा तो उससे क्या है दोनों को बेनिफिट होगा। इससे देखो क्या होगा आपस में, एक तो आपस में जो इश्यू है वो सुलझ जाएगा, डिसीजन बड़ी बात नहीं है आपस में जो इश्यू है वो सुलझ जाएगा, जो भी गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि मीडिएटर दोनों की बात सुनेगा, दोनों पक्षों को अपनी बातें रखने का मौका देगा और वो वहाँ पे काम करेगा कि हाँ भाई काम हो किस तरीके से रहे, मतलब वो प्रॉपर ढंग से नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे काम किया जाता है, ना कि ये कि भाई आपका कानून यह कहता है कि आपने ऐसा किया तो आपको सजा मिलेगी। मतलब मीडिएटर अगर जहाँ भी होता है मीडिएशन के थ्रू जो भी काम होता है उसमें ज़्यादा ढंग से काम हो सकता है और एक तरीके से बॉन्डिंग है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बनी हुई रहती है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। फिर देखो बात ये की जा रही है कि पूरे वर्ल्ड में आज जो देखा जाए तो मीडिएशन का मामला वो लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की वजह चाहे कंपनी देख लो या और भी ग्रुप वगैरह देख लो वो सब मीडिएशन की तरफ ही फोकस करते हैं ताकि उनका पैसा भी बचे, उनके ज़्यादा बर्डन वगैरह ना हो और मामला भी उनका जल्दी सेटल है वो हो जाए। इसके बाद में बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहते हैं ये यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इन्वेस्टमेंटल जो ट्रेड लॉ है इनका ये कहना है कि देखो जो जो जिस तरीके से ट्रेड के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं ना तो कंट्रीज़ के पास एक तो ऑप्शन ये होता है कि वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएं, एक ऑप्शन उनके पास ये है कि वो मध्यस्थता या मीडिएटर को रख के अपना मामला सुलझा लें। तो मीडिएटर को रख के अगर वो अपना मामला सुलझाती हैं तो उससे काफ़ी बेनिफिट तो उनको मिलता है। सबसे बड़ी बात तो देखो क्या, एक तो उनको चक्कर नहीं काटने पड़ते, दूसरी बात ये उनका टाइम बच जाता है, और तीसरी बात उनको बेनिफिट आप ये कह सकते हो कि चक्कर टाइम बच के साथ उनका सोल्यूशन भी हो जाता है और आपस में ज़्यादा बड़ी लड़ाई भी नहीं होती क्योंकि आपस में सहमति से सुलझा मामला सुलझा जाता है। जब भी मीडिएशन का मामला होता है उसमें क्या आपस में सहमति होती है कि हाँ भाई ठीक है मेरी ये गलती थी आपकी गलती है ठीक है मान लिया आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, ये गलती थी ठीक है इसका ये सोल्यूशन वो हो जाएगा। तो मीडिएशन के थ्रू जो भी मामला होता है ना उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है और डिसीजन भी आ जाता है, ना ही लंबे केस वगैरह अटकते हैं। तो वो सारी बातें यहाँ पे की गई हैं कि आज के टाइम पर सभी कंट्री वो मीडिएशन की तरफ फोकस कर रही है ताकि मामले को सेटलमेंट हो जल्दी किया जा सके और जो जुडिशरी वगैरह है उस पर बोझ वगैरह भी कम पड़े, वो सारे पॉइंट यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया तो आपस में लोगों में सहयोग बढ़ जाता है, कोर्ट का बोझ कम हो जाता है, फालतू का जो एक्सेस खर्चा होता है वो नहीं होता, तो काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद में बात की जाती है कि प्री लिटिगेशन की बात की जा रही है कि देखो प्री लिटिगेशन मतलब कोर्ट में जाने से पहले मामले को सेटलमेंट करने की बात की जा रही है कि प्री लिटिगेशन के टाइम पे अगर मामले को एक तरीके से मीडिएटर के द्वारा सुलझा लिया जाता है तो इश्यूज ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, वहीं पे उनको सुलझाया जा सकता है। ऐसे आप एक बेसिक एग्जांपल दे सकते हो लोकल कोर्ट, जैसे हमारे गांव में आप देख सकते हो रूरल एरिया में कहीं भी दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो बीच में एक तीसरे बोलते हैं कि हाँ भाई ये समझदार आदमी है इसको बुलाइए ये जो भी डिसीजन देंगे तो उसको सुलझा लिया जाता है, फिर वो लोगों के बीच में आपस में सुलह करवा देते हैं कि हाँ भाई देखो तुम्हें ऐसे नहीं करना है रामलाल तुम्हें ऐसे नहीं करना है श्यामलाल वगैरह, तो इस तरीके से जो सेटलमेंट होते हैं वो आ जाते हैं मीडिएटर। मतलब देखो आप देख सकते हो कि हमारे लोकल लाइफ में या डेली लाइफ में इन चीज़ों का यूज होता है और वहीं से आप एक डेली एक एग्जाम्पल अगर पुट करते हो एग्जाम में तो आंसर ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो आप अगर कहीं भी बाहर का रटा रटा या एग्जाम्पल अगर आप पुट कर रहे हो उसकी बजाय अगर आप लोकल लेवल का एग्जाम्पल पुट करोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप एग्जाम में इन चीज़ों की तरफ थोड़ा ध्यान है वो रखिएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं अगले आर्टिकल में, अगला आर्टिकल है यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो यूरोपियन यूनियन का आर्टिकल में तो कुछ दो तीन पॉइंट यही है कि यूरोपियन यूनियन से आपको पता है ब्रिटेन एग्जिट हुआ था,
अभी प्रोसीजर चल रही है तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं। देखो यूरोपियन यूनियन में लगभग 28 कंट्रीज हैं, उसमें से 19 कंट्रीज हैं वो तो यूरो की करेंसी को यूज़ करती हैं, जबकि ब्रिटेन है उसकी खुद की अपनी करेंसी थी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ब्रिटेन की करेंसी का नाम क्या है। तो देखो 19 जो कंट्री थी यूरोपियन, सॉरी 28 कंट्रियों में से 19 कंट्री हैं वो तो एक्चुअली यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी थी यूरो उसको यूज वो कर रही थी। तो अभी जो आर्टिकल में बताया गया वो ये बताया गया है कि देखो यूरोपियन यूनियन था वो इकोनॉमिक एक तरीके से आप बोल सकते हो यूनियन थी, कि इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपस में कंट्रीज हैं उनमें एक तरीके से पुल मिला के एग्रीमेंट कर रखा था, ताकि आपस में ट्रेड वगैरह, उसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह हो, एक दूसरे की इकोनॉमी का यूज है वो किया जा सके, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे थे। बट बात ये की जा रही है कि देखो ब्रिटेन का एग्जिट होना काफ़ी इजी नहीं है, मुश्किल टास्क इसलिए रहेगा क्योंकि ब्रिटेन है उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। एक तो देखो काफ़ी क्लोज वो कंट्रीज़ हैं और छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, अगर सभी कंट्रीज़ आपस में मिली हुई हैं, उनकी करेंसी वगैरह सेम है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेम है, ऐसे माहौल में अगर वो कंट्री अलग होने चाहेंगी तो उन्हें काफ़ी बड़ी मुश्किलों का सामना वो करना पड़ेगा। एक बार इस चीज़ के लिए रेफरेंडम भी हुआ था कि भाई स्कॉटलैंड है वो ब्रिटेन से अलग हुआ या नहीं हो, तो उसमें डिसीजन नहीं आया था कि नहीं भाई स्कॉटलैंड है वो यूरोपियन यूनियन से अलग नहीं होना चाहिए वगैरह, बातें सामने वहाँ पर आई थी। तो देखो ओवरऑल राइटर का यहाँ पे ही कहना है कि यूरोपियन यूनियन है उससे ब्रिटेन का एग्जिट होना नहीं होना, उसको रेफरेंडम दोबारा करवा लेना चाहिए ताकि जो भी इश्यूज वगैरह हो। तो हमारे लिए ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, स्टार्टिंग में बस दो तीन पॉइंट थे कि क्या सीन था वो हमने यहाँ पे देख लिया। ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन है वो एक इकोनॉमिक ग्रुप है जो कि मेनली वहाँ की कंट्रीज ने बना रखा है, ताकि ट्रेड वगैरह वो इजिली स्मूथली हो सके, फ्री ट्रेड हो सके इन सब के लिए। यहाँ पे जो लास्ट का आर्टिकल है केरला कोर्ट का है, केरला कोर्ट का डिसीजन आया था अभी, इश्यू था, मैंने से आपको बता देता हूँ कि वहाँ की एक मैगजीन थी यूपीएससी मैगजीन के बारे में भी पूछ सकती है, गृहलक्ष्मी नाम की मैगजीन थी, इस मैगजीन पे एक्चुअली जो कवर पेज था वहाँ पे एक वुमेन की ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए फोटो है वो आई थी। तो उसमें इश्यू ये बनाया गया बाद में कि भाई वुमेन है उसका ऊपर का बॉडी पार्ट दिखा गया तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, इस चीज़ को लेकर फिर इश्यूज वगैरह बनने लगे थे। फिर कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि देखो बिल्कुल सही है, सोसाइटी को अवेयर करवाने के लिए है और केरला की जो सोसाइटी है ऑलरेडी वहाँ पे इस तरह की फोटो है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, उनका कहना ये था कोर्ट वगैरह का कि देखो कोई बात नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जा रहा है, इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है जैसा लोगों का सोचना वगैरह, ये सारा पॉइंट था वहाँ पे कि बॉडी पार्ट एक्सपोज किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी इसमें मेंशन वगैरह नहीं दिख रहा है, ये सब बात की। बट यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि देखो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए गलत है, सोसाइटी को गलत इंटेंशन वहाँ पे दिखाई जा रही है तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं मिसयूज हो सकता है, तो इस पर दोबारा सोचना चाहिए। फिर यहाँ पे बात की जा रही है हल्दिया के केस की, उसका केस ये था आपको बता दूं कि उस शादी का केस था कि वो 18+ थी और उन्होंने शादी कर ली, तो आरोप ये लगा था कि भाई विदाउट मतलब कम्युनिटी की गाइडलाइंस के बिना शादी वगैरह नहीं कर सकते, ये हुआ है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा था कि देखो 18+ है, अपने डिसीजन खुद दे सकती है, वो उसकी मर्जी है कि वो शादी कहाँ करे वो करे। तो उसी बात पर यहाँ पे राइटर का कहना है कि देखो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप दिया था हल्दिया के केस में, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट को केरला के हाई कोर्ट के डिसीजन को पलटना चाहिए और जो क्लियरिटी है वो सामने आगे आनी चाहिए। तो जो इश्यू था वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा था, तो आप इसका कहीं भी एग्जांपल के फॉर्म में या यूज है वो कर सकते हो। तो ये तो थी आज की हमारी एडिटोरियल डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। देखो तो पीडीएफ मैंने आपको बताया था कि वेलकम यूपीएससी का पेज आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आज लिंक भी प्रोवाइड करा देता हूँ, आप वहां से भी पीडीएफ के लिंक है वो पीडीएफ वो डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।